हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में। ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट टू है। पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, जिसमें 1 से 45 तक क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे भी देख लीजिएगा। ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग 46 से देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, तो आंसर होगा बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने शेल कोशिका होते हैं, तो आंसर होगा एक। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आंसर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, तो आंसर होगा बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं, तो नाइक्रोम के। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है, आंसर होगा पातालपुरी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तमिलनाडु। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मालीगांव। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, दादा साहेब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक हैं, जो पुस्तक है वॉर एंड पीस उसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो फ्रियोन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आत्माराम शर्मा। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंसर होगा वाई वी चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोशी को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। चौथ नमककर किसके द्वारा लिया जाता था, मराठों द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों का सही क्रम है, तो ये इसका देखिए आंसर होगा बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर, अकबर ए आजम, जहांगीर, शाह आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख होशियार, रफीउल दरअसद, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित है, नृत्य से। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुस्तक किससे संबंधित है, श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी जो भारतीय मानक समय है वो आधारित है 82 और 23 पूर्व देशांतर पर, ठीक है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा को पार करता है, चीन। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। भारतीय सेना में विजयन नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था, विक्रमादित्य के।
प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? 24। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये 100 क्वेश्चन की टॉप मोस्ट प्रश्न उत्तर हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे जो एग्जाम देना है खासतौर से यूपी टेट का और खंड शिक्षा अधिकारी का, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसमें यूपी टेट के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए आपके अपने चैनल सक्सेस मंथ के साथ। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।